सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, वापस से आपके सामने आ चुका हूं एक प्यारी सी मार्केट एनालिसिस वीडियो को लेके, जिससे हम लोग फिन निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को देखेंगे, जो आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करते हुए दिखेंगे। एंड कल मार्केट हो सकता है बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छी तरीके से मूव करता हो दिखे, एंड साथ साथ में फिन निफ्टी का, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके लिए आपको सारे लेवल्स को पूरा लास्ट तक में अच्छे से बना के रखना है, इसको ध्यान देना है। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, अपने ट्रेडिंग व्यू को ऑन कर लीजिए, एंड अपने सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को अच्छे से मार्क करिए। जो जो मैं पॉइंट्स बताता हूं उसको नोट कर लीजिएगा। अगर वैसे चीजें होती हुई आपको दिखेगी तो आप उसका जरूर से यूज करिएगा, एंड अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से रिजल्ट्स को निकालने की कोशिश करिएगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक है? तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, थैंक यू सो मच। मेक श्योर करिएगा आप अभी लाइक को दबा दीजिएगा गाइस। आप लोग ने पिछले वीडियो में भी अपना फुल प्यार सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। 1100 लाइक्स आप लोग ने कंप्लीट करा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब आ जाते हैं डायरेक्टली जल्दी से, एंड हाँ, उसके साथ साथ 152 कमेंट्स आप लोग ने करे, सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स। वैसे ही मुझे और कमेंट्स चाहिए आज, तभी मजा आता हुआ दिखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, अपना कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा, इसका याद रखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो देखते हैं गाइस आज की मार्केट कैसी थी। आज की मार्केट को हम सब लोग ने परफॉर्म करा, बहुत मार्केट वोलेटाइल थी। अगर मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊं, यहाँ पे ये आपका निफ्टी का चार्ट था 15 टाइम फ्रेम पे, मार्केट खूब वोलेटाइल थी। मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग करता हुआ दिखा, एंड उसके बाद पूरा वोलेटिलिटी को आपका शोकास्ट करता हुआ दिखा। सॉरी, यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग करा, एंड उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा निफ्टी की साइड में ओपनिंग करी, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब एक तरीके से रेंज बाउंड मार्केट था। एक हल्का से चैनल टाइप का फॉर्मेशन करता हुआ मार्केट दिख रहा है, अगर ये देखोगे तो इसको चैनल टाइप का फॉर्मेशन टाइप का करता हुआ दिख रहा है मार्केट। अब आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा व्यू अभी थोड़ा सा नेगेटिव साइड का है, इसको ध्यान दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना गाइस, तो आपको एक बड़ा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखेगा, जिसका ब्रेक होने के चांसेस कल के दिन में आपको दिख रहे हैं, ठीक है? ये अगर हल्का फुल्का आप देखोगे सही तरीके से, तो ये बड़ा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा, जिसका ब्रेक होने के चांसेस मुझे कल लग रहा है कि होता हुआ दिख जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी आपका अच्छी तरीके से भी सेलिंग के प्रेशर में आया नहीं है, बैंक निफ्टी अपने को स्टेबलाइज रखा है, एंड निफ्टी में डेली का डेली नेगेटिविटी आ रही है, स्टॉक्स में भी सेलिंग आ रही है, बहुत सारे स्टॉक्स में आपकी सेलिंग का प्रेशर आता हुआ दिखा। तो यहाँ पे कल के दिन में आपका मुझे लगता है ब्रेकडाउन टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। कहां तक मार्केट जा सकता है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट देखिएगा आज के दिन में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, हमने बहुत एग्रेसिव रिजल्ट्स तो नहीं निकाले, हाँ, बट इतना था अपनी कैपिटल को सेव करने लायक काम करा। कितने लोगों ने आज कैपिटल को अपना सेव करा कमेंट सेक्शन जरूर से बताइएगा, एंड नहीं तो अगर आपने छोटे मोटे एक दो एसएल भी लिए तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्योंकि देखो, एसएल को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में स्टे करना है। आप पिछले 5 दिन देखो, 5 दिन में बहुत ज्यादा एसएल नहीं लगे थे, आपका इक्का दुक्का लग रहे थे, बट आज के दिन में आपके 2-3 लग सकते थे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, तो उस टाइम में आपको थोड़ी सी फीस आपको मार्केट को पे करनी पड़ती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इस कल की मार्केट को हम लोग कैसे परफॉर्म करना है, उसके बारे में डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो कर दीजिए, अपना फुल सपोर्ट दिखा दीजिएगा इस, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी के सारे लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा। सबसे ऊपर का निफ्टी में लेवल होगा 20,027, नेक्स्ट जोन होता हुआ देखिएगा 19,891 से लेके 894, फिर नेक्स्ट जोन आपका होता देखिएगा 19,809 से लेके 794, फिर इसके बाद नेक्स्ट जोन होता हुआ देखिएगा 19,608 से लेके 605, फिर लास्ट जोन होता हुआ देखिएगा 19,517 से लेके 500, एंड उसके बाद एक लेवल रहेगा 425, एंड लास्ट आपका रहेगा 359। तो ये आपके ओवरऑल सारे के सारे लेवल्स है, आराम से पॉज करके अपना लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ट्रेडिंग व्यू में लगा लीजिए, ठीक है? अब कंटिन्यू करते हैं कैसे आपका मार्केट कल के दिन में परफॉर्म करता दिखे। तो गाइस देखो कि ये जो नॉइज मार्केट में चल रही है, मुझे जितना लगता है मार्केट एक लिक्विडेशन को लेने की कोशिश कर रहा है। मार्केट जाना जाता है नीचे, बट जिसको कहते हैं ना बिग मनी अपनी पोजिशन को बनाते हैं, तो वैसे लिक्विडिटी मार्केट ग्रैप करने के लिए बार बार आज के दिन में हम लोग का ऊपर जा रहा था, एंड क्लोजिंग देखोगे तो मार्केट की नेगेटिव भी हुई। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम पे भी देखोगे मार्केट में, अगर आप सुबह के टाइम पे भी देखोगे तो आपका वहां पे भी बहुत एग्रेसिव पोजीशंस लोगों ने बनाई थी शॉर्ट साइड की, क्योंकि आपका मार्केट साइडवेज ओपनिंग का दिखा रहा था, बट पहले ही खुलते देते ही मार्केट में बहुत तेजी से सेल ऑफ का प्रेशर आया था, ठीक है? उसके बाद जब भी मार्केट अपसाइड जा रहा था, हर बार सेल ऑफ का प्रेशर अचानक से आया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर अचानक से सेल ऑफ का प्रेशर आया पूरी वोलेटिलिटी के साथ, पूरी लिक्विडिटी को बनाते हुए। तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेलर्स अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए मार्केट को एक तरीके से दिखा रहे हैं कि मार्केट बाइंग साइड जाएगा, बाइंग साइड फटेगा, एंड सेलिंग की पोजीशन बनाते जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको लिक्विडिटी की जरूरत होती है, ठीक है? जिनको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता होगा, एक बार कमेंट सेक्शन जरूर से लिखिएगा, आई डोंट नो अबाउट लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी, मैं कोशिश करूंगा आपको अगले वीडियोज एंड एवरीथिंग में बताने का, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी तुरंत से कमेंट सेक्शन लिख दीजिएगा। तो मार्केट एक लिक्विडिटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? मुझे जितना लगता है कल के दिन में मार्केट थोड़ा सा खुलेगा, कल फिर निफ्टी एक्सपायरी है, कल नहीं खुला तो एक्सपायरी के दिन तो पक्का ही खुलने वाला है मार्केट, इसको याद रखिएगा। अगर आप सही से ऑब्जर्व करोगे गाइस, तो आपको मेरा कल का व्यू क्या है देखिए,
अगर मार्केट कल के दिन में खुलता है गैप अप या तो साइडवेज, तो मैं इस जोन के बीच में, ये मेरा बड़ा जोन रहेगा, ठीक है, 910 से लेके 786, ये लगभग 150 पॉइंट्स का जोन है। इस जोन के बीच में मैं रियलिटी बताता हूं, बहुत ज्यादा मैं प्ले नहीं करने वाला क्वांटिटी के साथ, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, आज खुद ही प्रीमियम्स चढ़ रहे थे, तुरंत से गिरने लग जा रहे थे, बहुत मुश्किल मुश्किल से हम लोग को स्कैल्प मिल रहा था, होल्डिंग लायक कोई ट्रेड नहीं मिल रहा था, तो मैं कल के दिन में भी इन द मनी में भी अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा था मैं आज के दिन में, तो इसलिए मतलब जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें अच्छे से होल्डिंग वाला ट्रेड ही नहीं बन पा रहा था, बार बार हल्का से इंक्रीज देन डिक्रीज, हल्का से इंक्रीज देन डिक्रीज, तो जैसे कि उसमें हम लोग अच्छे से अकाउंट में बना के छोड़ देते हैं पोजीशन, वो वाला सिस्टम नहीं बन पा रहा था। इसीलिए मेरा कल का यही है कि अगर मार्केट इस जोन में रहेगा तो मैं ऑप्शन सेलिंग कल के दिन में करने वाला हूं, बहुत दिनों बाद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग करके अपना छोड़ दूंगा, जिसमें कॉल ऑप्शन सेलिंग ज्यादा रहेगी क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, और पुट ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा कम रहेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। गैप अप और साइडवेज में मेरा यही सिंपल सा व्यू है, अगर मार्केट कल के दिन में गैप डाउन खुलता है और या तो साइडवेज खुल के भी अगर मार्केट आपका 610 के लेवल को पार करता है, 19,610 के लेवल को मार्केट पार करता हुआ दिखता है, तब मैं यहां पे शॉर्ट साइड की पोजीशन को बनाना शुरू करूंगा। 517 तक का पहला टारगेट रहेगा एंड दूसरा टारगेट आपका 426 तक का रहेगा, ठीक है। हम लोग ने ओवरनाइट पोजीशन को भी गैप डाउन ही की रखी है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, छोटी सी पोजीशन को हम लोग ने अपने छोटे वाले अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, उसमें आपका लगभग 6000 के आसपास का प्रॉफिट भी चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, 10 पॉइंट्स के आसपास का, तो वो गैप डाउन वाला पोजीशन है हम लोग के पास पहले से भी अवेलेबल है। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता हुआ दिखेगा तो हम लोग का इसके ब्रेक करने के बाद आपका अच्छा खासा शॉर्ट साइड में हम लोग का प्रॉफिट होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मार्केट कुछ नहीं करता, मार्केट इसी जोन में करता है, टाइम पास करता रहता है, तो स्कैल्प्स को हल्का फुल्का प्ले करेंगे, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग करके चुपचाप मैं छोड़ दूंगा और आप लोगों को मैं ट्रेड्स एंड एवरीथिंग एनालिसिस शेयर करता रहूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जब मार्केट अगर सेकंड हाफ में 19,800 के ऊपर अगर 15 टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक को तोड़ के सस्टेन करता है, तभी मेरा व्यू यहां पे बुलिश साइड का होना शुरू होगा एंड देन मेरा टारगेट आपका 888 तक का लगता हुआ देखिएगा, उसके पहले बहुत ज्यादा मैं नहीं करूंगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट इसको 15 टाइम फ्रेम पे तोड़ेगा देन ओनली हम लोग लॉन्ग साइड का व्यू रखेंगे एंड ऊपर के टारगेट्स को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं गाइस, एक बार ओपन इंटरेस्ट डाटा को भी जल्दी चेक कर लेते हैं। उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर गाइस, अगर आपने अभी तक प्रीमियम मेंबरशिप की महाक्लास को नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, उस पर फटाक से क्लिक करिए, या आपने लाइक कर दिया होगा, उसके बाद लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको तुरंत से ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, तुरंत से हैव अ कूपन कोड पे जाके लास्ट ऑफ कूपन कोड को लगाइएगा, अप्लाई करिएगा एंड तुरंत से अपने स्टडी मटेरियल को परचेस कर लीजिएगा, ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। ये क्लास को आप जब पढ़ोगे तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट एंड एवरीथिंग के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलती हुई दिखेगी, आप खुद पढ़ के बताइए कमेंट सेक्शन में, वेट करूंगा आपके कमेंट का, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इस नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अगर मार्केट में आपका सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि मार्केट टोटली साइडवेज रहता है तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग उसके बाद चलते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। तो ओपन इंटरेस्ट पे देखोगे गाइस तो निफ्टी आपका एक नेगेटिविटी के ओपन इंटरेस्ट को दिखा रहा है, कॉल साइड का ओआई आज बहुत एग्रेसिवली 19,700 तक राइट कर गया है एंड ओवरऑल में भी देखोगे तो कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये एक नेगेटिविटी का संकेत माना जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको दिखेगा कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिवली चेंज इन ओआई कर रहे थे एंड ओवरऑल में भी कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। हाँ, ये जरूर है कि 46,000 पे कॉल एंड पुट राइटर्स बोथ आर प्रेजेंट बिकॉज मार्केट ने आज 46,000 के लेवल को बहुत एग्रेसिवली नहीं तोड़ा था, इसीलिए आज के कॉल एंड पुट राइटर्स बोथ प्रेजेंट है इस टाइप मार्केट में, ठीक है। इसके बाद अगर आप साथ साथ में थोड़ा से और चीजों को ऑब्जर्व करें ग्लोबल मार्केट को, तो गिफ्ट निफ्टी देखो अभी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होना शुरू भी हो गया है, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिविटी की साइड जा रहा है एंड जो मैंने आपको शो करा था कि बिटकॉइन में भी आज के दिन में सेलिंग का प्रेशर बहुत हैवी आया हुआ है एंड उसके साथ साथ आप देखोगे तो डाउ जोन्स में भी एक पॉजिंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, ये पॉजिंग कैंडलस्टिक गुड वॉल्यूम के साथ बनी है, तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन लगता है कि ऐसा कुछ मार्केट वापस से करेगा, जैसे यहां पे गुड वॉल्यूम के साथ बनी थी तो मार्केट हल्का से नेगेटिव बनाता हुआ दिखा था क्योंकि उस टाइम के लिए ये भी एक नया ऑल टाइम हाई था, तो अभी के लिए भी ऐसा ही कुछ है, तो यहां पे भी एक नेगेटिविटी की वन डे टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक बनती हुई दिखेगी। डाउ जोन्स की एनालिसिस आप लोग को पसंद आती है कि नहीं गाइस, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन देगा डू यू लाइक द ग्लोबल मार्केट एनालिसिस, अगर यस तो लिखते हुए दिखेगा कमेंट सेक्शन जरूर से, यस वी लाइक द ग्लोबल मार्केट एनालिसिस, आप करा करो इसको, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे तो वो भी पूरा फटता हुआ दिख रहा है, ये एक मार्केट के लिए नेगेटिव बात मानी जाएगी, इसको याद रखिएगा। डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो वो भी आपका इंक्रीज्ड है, बट डॉलर इंडेक्स में मैं आपको दिखा देता हूं मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है, ये प्रीवियस सपोर्ट था, इसीलिए यहां पे थोड़ा मोड़ा मार्केट रुक रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, बट ये भी आपका बुलिश है तो ये एक नेगेटिव संकेत माना जाएगा। तो इसी रीजन की वजह से सब कुछ मुझे अभी भी नेगेटिविटी का दिखा रहा है और ऐसा लगा कि आज की मार्केट लिक्विडेशन को ग्रैब करी है, जैसा मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मंडे की मार्केट साइडवेज हो सकती है, ट्यूसडे की मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, वेडनेसडे की मार्केट अगेन साइडवेज हो सकती है एंड थर्सडे की मार्केट अगेन ट्रेंडिंग हो सकती है।
लेट्स सी ये वाला मेरा पैटर्न वर्क करता है कि नहीं। अगर वर्क करेगा तो आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताते हुए दिखेगा। एंड कितने लोग को याद है कि ये मैंने आपको मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मंडे की साइडवेज मार्केट हो सकती है, बताइएगा जरूर से कमेंट सेक्शन। तो अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट चीज पे जो आपका होता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस तो बैंक निफ्टी में मैंने ऐसे ही सिस्टम बना के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी जब तक गाइस आपका 46,400 के ऊपर कम से कम सस्टेन नहीं करता अच्छे से, तब तक मैं बहुत एग्रेसिव बुलिश तो होने वाला नहीं हूं। भले ही स्टेबलाइज करके मार्केट को रखा हुआ है बट जब तक इस लेवल के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन नहीं करता, गैप अप खुल के या कुछ भी होके, तब तक मैं बहुत एग्रेसिव बुलिश नहीं होने वाला हूं। अब हाँ ये बात बिल्कुल सही कि 400 पॉइंट डायरेक्टली गैप अप तो खुलने का कोई सिनेरियो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बता देता हूं, आपको समझना है कि मार्केट यहां पे बहुत वोलेटिलिटी को क्रिएट कर रहा है। तो मैं तो प्रिफर करने वाला हूं कल के दिन में, परसों के दिन में, नरसों के दिन तक ऑप्शन सेलिंग करने का, इसके ऊपर की सारी कॉल्स का मैंने प्रिपरेशन अभी वही कर ली है, ठीक है। एंड अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है 45,715 के लेवल को, तब मार्केट में एक सेल ऑफ का प्रेशर आएगा। इसको मैं बड़ा होल्डिंग ट्रेड को बना के रखूंगा 45,294 तक का, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी छोटे मोटे लेवल्स मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे शेयर करने वाला हूं, इसलिए मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा। कल हम लोग की लाइव स्ट्रीम होगी, बीच के जो भी छोटे मोटे लेवल्स होंगे उनको हम लोग लाइव में देखने वाले हैं। ये बड़े लेवल्स मैंने आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर दिए। एंड उसके बाद अगर इस लेवल को भी तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल 44,920 तक का होता हुआ दिखेगा। एंड बाइंग साइड में 46,700 फाइनल लेवल होगा अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा तब, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को आप मार्क कर लीजिएगा। अब जल्दी से चल चलते फिन निफ्टी के ऊपर। उसके पहले गाइस अगर आपको कोई कोर्स की डिटेल चाहिए होगी तो आप इसी व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज सकते हो, कोर्स डिटेल आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस अगर आपने अभी तक हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग नहीं करा है तो मेक श्योर करिएगा अपना अकाउंट ओपनिंग एंड एवरीथिंग जरूर से कर लीजिएगा। पेटीएम मनी, धन, फायर, सलाइज, ब्लू, एंजल वन, सभी हमारे प्रीमियम मेंबर्स अच्छे से ऐड होते हुए दिख रहे हैं। आज प्रीमियम मेंबर्स का बहुत दिनों बाद स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उनका कल के दिन में देखिएगा। मैं आपके सामने बोलता हूं कि लगभग 40-50 पॉइंट का उनको टारगेट दिलवाने की कोशिश करूंगा एनालिसिस के थ्रू। मेक श्योर करिएगा आप भी अपना अकाउंट ओपनिंग करके तुरंत से ज्वाइन करते हुए इसको देखने की कोशिश करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार शिफ्ट कर जाएंगे लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़ते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस आप फिन निफ्टी के भी लेवल्स को मार्क कर लीजिए। फिन निफ्टी में भी वैसे ही कुछ सिनेरियो है हायर लेवल्स पे। अभी ये टॉप लेवल था, ये मैंने इतना बड़ा जोन इसलिए बना के रखा है क्योंकि अभी प्रीवियस हाई मार्केट ने लगाया था तो यहां तक का हाई था। मार्केट ने दो बार उसको ऊपर के साइड क्रॉस करने की कोशिश करी, दोनों तीनों बार फेल हुआ। तो अब मार्केट मुझे लगता है इतनी बार फेल कर चुका है तो अब बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। अब हो सकता है मार्केट में कल के दिन में सेलर्स एक्टिवेट हो जो मार्केट को एक बार के लिए ड्रैग करे 20,362, एंड अगर उसको भी ब्रेक करे देन मार्केट में 20,225। ये जो मार्केट में सेल ऑफ होगा ना गाइस, ये बहुत फास्ट सेल ऑफ होगा कल की फिन निफ्टी में, इसको याद रखिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे साइडवेज होता है, इसको जब तोड़ेगा ना सेकंड हाफ में, तो ये बहुत फास्ट जीरो टू हीरो बनता हुआ देखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी में आपका सबसे बेस्ट फिन निफ्टी में जीरो टू हीरो बनेगा। अगर डाउन साइड में बनना है, अपसाइड का बनता है तो अपसाइड में मैं आपको बता देता हूं क्लियरली कैंडलस्टिक आएगी अचानक से एंड फिर आपको रोकेगी, फिर अचानक से आएगी, ऐसे टाइप का बनता हुआ देखेगा अपसाइड में, अनटिल एंड अनलेस ये वाला लेवल वापस से ना टूटे। तब तक इस जोन में अगर अपसाइड में सेकंड हाफ में फिर निफ्टी में ब्रेकआउट होता है जीरो टू हीरो, तो जाएगी कैंडलस्टिक बहुत तेजी से ग्रीन, फिर अचानक से रुकेगी, प्रीमियम को डिके कराएगी, फिर ग्रीन बनेगी। इस टाइप का कुछ सिनेरियो बन जाएगा जिसमें आपको बहुत मजा नहीं आता हुआ देखेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉसेस मेन जो प्रेजेंट है मार्केट में वो बायर्स के ही प्रेजेंट है। अगर आप इन बायर्स को देखोगे, इन बायर्स को देखोगे, इन सबके स्टॉप लॉसेस डाउन साइड में प्रेजेंट है। अगर मार्केट कल गैप डाउन करके इनको सेकंड हाफ में हंट करा तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग का प्रेशर आएगा जो इस लेवल तक 20,200 तक के लेवल को लेके जाने की कोशिश करेगा, इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा। और अगर इन द केस मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता है, साइडवेज खुल के अप साइड का ब्रेकआउट देता है अच्छे से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कम से कम 20,650 के ऊपर सस्टेन करता है, देन ओनली आप 768 तक का टारगेट लॉन्ग साइड में रखोगे। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनालिसिस, होप करता हूं आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपने लाइक के बटन को जरूर से दबाया होगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि हाउ वाज द एनालिसिस, वी आर डूइंग द बेस्ट, वी आर ट्राइंग द बेस्ट, आपका भी बेस्ट सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। मेक श्योर करिएगा कम से कम 1200 लाइक्स करने का, तभी मजा आता हुआ दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोग से कल मार्केट एनालिसिस में, तब तक लेट्स सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।